कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का के कारोबार में आई चमक, यानी ज्यादातर मंडियों में मक्के के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। मक्का के कारोबार पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 25 मई को मक्का का भाव 2015 रुपए था, जो 27 मई को 35 रुपए चढ़कर 2050 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 25 मई को मक्का का भाव 2280 रुपए था, जो 27 मई को इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2300 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहां 25 मई को मक्का का भाव 2180 रुपए रहा, 27 मई को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और 2190 रुपए भाव प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 मई को मक्का का भाव 2600 रुपए था, जो 27 मई को 100 रुपए गिरकर 2500 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। चले रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें मक्के के, तो आने वाले दिनों में मक्के का बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मक्का की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में मक्का की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में भी मक्का की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास सलाह है, जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है मक्के का, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।